बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टाइम टेकन बाय ए मिल्कमैन टू डिलीवर मिल्क टू हाउसिंग सेक्टर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 12 मिनट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मिनट। उसने कहा है कि जो टाइम लिया है एक मिल्क मैन ने डिलीवर करने के लिए घरों में मिल्क को, उसका मीन किसके इक्वल है 12 के, तो बेटा म्यू क्या आ जाएगा, मीन म्यू इज इक्वल टू 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मिनट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, सिग्मा 2 मिनट के इक्वल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ही डिलीवर्स मिल्क फर्स्ट लेस देन 10 मिनट, तो पी ऑफ एक्स लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। सेकंड हमारे पास है बिटवीन 9 एंड 13 मिनट, तो सेकंड प्रोबेबिलिटी हम किसकी मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी 9 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 13, 9 और 13 के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसने कहा है कि लेस देन 10 मिनट, तो पी ऑफ एक्स लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। तो सेम पहले की तरह बेटा इसको z में कन्वर्ट करेंगे। z का फार्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x किस चीज के इक्वल है, 10 के इक्वल है, माइनस का साइन है, फार्मूले का एज इट आ जाएगा। म्यू, म्यू हमारे पास बेटा 12 के इक्वल है, तो म्यू की जगह पे 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा बेटा हमारे पास 2 के इक्वल है, तो सिग्मा की जगह पे 2 आ जाएगा। 10 में से माइनस 12 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड का एज इट आ जाएगा, 2 के साथ क्रॉस आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1। z की वैल्यू क्या निकली, माइनस 1। अब जो प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x लेस देन 10 किस में कन्वर्ट होगी, p ऑफ z लेस देन माइनस 1 में कन्वर्ट होगी। इसके बाद बेटा फिग पे आ जाएंगे, फिग में माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे और ये नॉर्मल कर्व ड्रा करेंगे। z की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 हमेशा 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करती है, तो बेटा ये लाइन लगा के मैंने माइनस 1 ड्रा कर दिया। अब उसने कहा है कि माइनस 1 लेस का साइन है, तो माइनस 1 से लेस वाला एरिया चाहिए, तो बेटा लेफ्ट साइड वाला एरिया ये जो शेड किया हुआ है ये क्या होता है, लेस का होता है, माइनस 1 से लेफ्ट साइड वाला एरिया ये लेफ्ट का होगा, लेस का होगा। तो इसको मालूम कैसे करना है बेटा, पहले हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जाएंगे, उसमें से माइनस 1 टू 0 वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी लिखी माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, फिर माइनस का साइन, प्रोबेबिलिटी लिखी माइनस 1 टू 0। अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये जो वाला टोटल एरिया है लेफ्ट साइड वाला 0 टू माइनस इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल होता है बेटा, 0.5 के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे 0.5 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट आ जाएगा। अब 1 को हमने टेबल वैल्यूज में देखना है, तो 1 पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा, वैल्यूज है 1, तो 1 को टेबल में देखेंगे, अब यहाँ पे 1.0 को 0 में देखना है, तो ये बेटा हमारे पास आ रही है 0.3413 के इक्वल आ रही है, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 0.3413, 0.5 में से माइनस करेंगे 0.3413, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1587। तो फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली पी ऑफ एक्स लेस देन 10 की, वो किसके इक्वल निकली है, 0.1587 के इक्वल निकली है। अब सेकंड पार्ट था प्रोबेबिलिटी 9 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 30 मालूम करनी है, तो बेटा इसमें दो वैल्यूज है एक्स की, एक्स की जो लेफ्ट वाली वैल्यूज होती है उसको हम एक्स 1 कहते हैं, एक्स की जो ग्रेटर वाली वैल्यू होती है उसको एक्स 2 कहते हैं, तो इसके लिए हम जी 1 और जी 2 निकालते हैं। तो जी 1 का फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स 1 की जगह पे उसकी एक्स की लेफ्ट वाली वैल्यूज आ जाएगी 9 माइनस मीन हमारे पास बेटा 12 के इक्वल है, तो म्यू की जगह पे 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे 2 आ जाएगा। 9 में से 12 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, 2 का साइन एज इट आ जाएगा, माइनस 3 को बेटा 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस 1 पॉइंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब z2 की वैल्यू मालूम करेंगे, z2 बेटा किसके इक्वल होता है, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा के इक्वल होता है, x2 हमारे पास किसके इक्वल है बेटा 13 के, तो x2 की जगह पे 13 आ जाएगा, माइनस मीन की जगह पे बेटा 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे 2 आ जाएगा, 13 में से 12 जाए तो बेटा 1 बचता है, डिवाइडेड बाय 2 का साइन एज इट आ जाएगा।
वन को टू पे डिवाइड करें तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आता है 0.5। तो जी वन किसके इक्वल निकला -1.5 के, और जी टू किसके इक्वल निकला 0.5 के इक्वल निकला। तो प्रोबेबिलिटी 9 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 30 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी -1.5 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.5 में कन्वर्ट हो गई। तो अब इसको बेटा फिग बना लेंगे, फिग ड्रा की माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा किया और ये कर्व बना लिया। अब वैल्यूज हमारे पास जी की दो हैं, एक हमारे पास -1.5 है, ये माइनस है तो जीरो से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, मैंने लाइन लगा के नीचे -1.5 लिख दिया। सेकंड वैल्यू जी टू जो है, जी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 0.5 है, तो इसको मैंने राइट साइड पे लाइन लगा के 0.5 लिख दिया। इसके सेंटर वाला एरिया, बिटवीन वाला एरिया चाहिए, तो बेटा ये बिटवीन वाला एरिया मैंने शेडेड कर दिया। अब इसको मालूम कैसे करेंगे, -1.5 से 0 तक जाएंगे बेटा, फिर 0 से 0.5 तक जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी लिख दी बेटा -1.5 लेस देन और इक्वल टू जी लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू जी लेस देन और इक्वल टू 0.5। अब हमने क्या करना है, टेबल वैल्यू देखनी है, एक 1.5 को 0 में देखना है और सेकंड टेबल वैल्यू 0.5 को 0 में देखना है। तो सबसे पहले बेटा 1.5 को 0 में देखते हैं, 1.5 को बेटा 0 में देखा तो ये आ गई हमारे पास 0.4772 के इक्वल। उसके बाद सेकंड वैल्यू है 0.5 को 0 में, तो ये हमारे पास 0.1913 के इक्वल है। बेटा वैल्यूज पुट करवा दी, 1.5 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 0.4332 प्लस 0.5 की जगह पे उसकी वैल्यू 0.1915। इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.6247 के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अज्यूम एक्स टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रनर टू रन ए माइल इन रैंडम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू मिनट्स 4 मिनट्स एंड स्टैंड डेविएशन 30 सेकंड। तो बेटा सबसे पहले उसने मीन हमें किसके इक्वल दिया है 4 मिनट के, और स्टैंड डेविएशन जिसे हम सिग्मा कहते हैं ये उसने दिया हुआ है 30 सेकंड के। तो बेटा हमने इनके यूनिट बराबर करने हैं, तो हम मीन को भी क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास 240 सेकंड मीन किसके इक्वल आ जाएगा 240 सेकंड की, और स्टैंड डेविएशन सिग्मा भी किसके इक्वल आ गया 30 सेकंड के, तो ये यूनिट्स हमारे पास सेम हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एथलीट रन ए माइल फर्स्ट है लेस देन 5 मिनट, लेस देन 5 है तो मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स लेस देन 5 मिनट। बेटा ऊपर जो हमारे पास मीन और स्टैंड डेविएशन है वो हमारे पास सेकंड में है, तो प्रोबेबिलिटी भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पी ऑफ एक्स लेस देन 5, एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो बेटा 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो 60 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो पी ऑफ एक्स लेस देन 300 की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया बेटा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड में गिवन थी, इसलिए हमने मीन और प्रोबेबिलिटी को सेकंड में कन्वर्ट किया है। सेकंड प्रोबेबिलिटी है मोर देन 3 मिनट, मोर बेटा ग्रेटर को कहते हैं, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 मिनट। अब ये मिनट्स हैं बेटा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो इसलिए हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 180। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज हमने मालूम करनी है। अब बेटा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स लेस देन 300, अब इसको सेम वैसे ही जी में कन्वर्ट करेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 300, माइनस का साइन हैज इट, म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 240, डिवाइडेड बाई सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 30। 300 में से 240 जाएगा तो बेटा 60 आंसर आता है, डिवाइडेड बाई 30 हैज इट आ जाएगा। 30 को 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 300 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 2। इसके बाद बेटा फिगर बनाएंगे, माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी लाइन ड्रा की एक्स एक्सिस पे, सेंटर में ओरिजिन ड्रा किया। अब हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव 2, तो बेटा ये 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, तो मैंने लाइन लगा के नीचे 2 पॉजिटिव 2 लिख दिया। अब उसने कहा कि पॉजिटिव 2 से लेस वाला एरिया चाहिए, हमेशा जो लेफ्ट साइड होती है ये लेस वाला एरिया होता है, तो बेटा ये मैंने एरिया शेडेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। अब इसको मालूम कैसे करेंगे बेटा, पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, फिर प्लस का साइन, 0 से फिर 2 तक,
तो बेटा मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी माइनस इन्फिनिटी लेस देन और इक्वल टू जी लेस देन और इक्वल टू जीरो, फिर प्लस का साइन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जी लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव टू। ये एरिया जो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है ये हाफ के इक्वल होता है 0.5 के, तो बेटा इसकी जगह पे मैंने 0.5 लिख दिया, प्लस का साइन है एज इट। अब हमारे पास 2 बचा है, 2 की बेटा हम टेबल वैल्यू देखेंगे 2.0 को 0 में, तो अब बेटा टेबल पे आ जाते हैं। 2.0 को 0 में देखा तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 0.4772 के इक्वल, तो उसकी जगह पे बेटा 0.2 की जगह पे उसकी वैल्यू 2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवाएंगे टेबल वैल्यू, जो हमारे पास किस चीज के इक्वल है 0.4772 के इक्वल है। 0.5 में प्लस करेंगे बेटा 0.4772 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9772। अब बेटा सेकंड प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 180 हमने मालूम करना है, तो इसको भी बेटा जी में कन्वर्ट करेंगे। जी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 180, माइनस का साइन एज इट, म्यू हमारे पास बेटा क्या था 240, तो म्यू की जगह पे 240 आ जाएगा, डिवाइडेड का साइन, सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा क्या था 30 सेकंड, तो बेटा सिग्मा की जगह पे 30 आ गया। 180 में से 240 बेटा माइनस करेंगे तो माइनस 60 बचेगा, डिवाइडेड बाई 30 एज इट आ जाएगा, 30 को बेटा माइनस 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या निकली, -2 निकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 180 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन -2। इसके बाद बेटा फिग पे आएंगे, फिग ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में बेटा ओरिजिन ड्रा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जी की क्या निकली है -2, तो ये 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी क्योंकि हमेशा माइनस का साइन लेफ्ट साइड पे लाई करता है, 0 से पॉजिटिव होता तो राइट साइड पे लाई करना था, -2 है तो ये बेटा मैंने लाइन लगा के -2 ड्रा कर दिया। अब साइन क्या है, उसने कहा कि ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो -2 से ग्रेटर वाला साइन बेटा जो राइट साइड होगी वो ग्रेटर होता है, तो ये एरिया मैंने शेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। अब इसको मालूम कैसे करेंगे बेटा, -2 से ओरिजिन तक जाएंगे, फिर ओरिजिन से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो बेटा मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी -2 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू जीरो, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, फिर प्लस का साइन, 0 से इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब बेटा 2 की हमने ऊपर टेबल वैल्यू देखी थी, क्या निकली थी 0.4772, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा दी 0.4772, प्लस का साइन एज इट। बेटा ये जो एरिया 0 टू इन्फिनिटी होता है ये किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल होता है, तो बेटा 0.5 इसमें ऐड हो रहा है तो 0.5 में ऐड कर दें 0.4772, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 0.9772। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।